वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम इनसाइडर। सो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के सिक्स स्टैंडर्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो वैसे तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और उसमें इसमें से बहुत ही कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ही हैं जो हमें यूपीएससी के लिए देखने हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो हमें बेसिकली ये बताता है कि हम जो है हमारे पास्ट को क्यों स्टडी करते हैं और कैसे स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये बताया गया है कि हम जो है वो कल के बारे में कुछ जानना हो तो हम टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो से जान सकते हैं, और अगर एक साल बाद हमें पूछा जाए तो हमें कोई न्यूज़ याद भी नहीं होगी। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो बहुत सालों पहले लोग रहते थे, हज़ारों सालों पहले लोग रहते थे, वो कैसे रहते थे? तो पहले तो पता करना चाहिए कि हम क्या क्या जान सकते हैं पहले के लोगों के बारे में। तो हम जान सकते हैं कि उनके क्लोथ्स कैसे थे, वो कैसे घरों में रहते थे, उनके ऑक्यूपेशंस क्या थे, लाइक हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, या फिर किस तरीके के गेम्स बच्चे खेलते थे, स्टोरीज क्या, जो फोक स्टोरीज होती हैं उनकी वो कैसी थी, किस तरीके के गेम्स वो खेलते थे, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। अब ये पता करना है हमें कि लोग कहाँ पे रहते हैं। ये तो पता चल गया कि हमें क्या पता चलेगा उनके बारे में, अब कहाँ रहते थे वो। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, नर्मदा रिवर के पास में, यहाँ पे लोग जो है वो बहुत सालों नर्मदा रिवर के पास बहुत सालों पहले रहते थे, और वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे। अब गैदरर्स क्या होते हैं, वो लोग जो फॉरेस्ट से अपना फूड या जो भी डेली रिक्वायरमेंट्स है उसको गैदर करते हो, और वो फॉरेस्ट से गैदर करते तो इट इंक्लूड्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हंटिंग भी करते थे एंड फ्रूट्स वगैरह गैदर भी करते थे। फिर सेकेंडली हमें बात यहाँ पे बात करी गई है सुलेमान एंड किरथार हिल्स की, जो कि ये रीजन में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। यहाँ पे सबसे पहले बहुत 8000 साल पहले व्हीट एंड बार्ली का एग्रीकल्चर किया गया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। और वो लोग किस तरीके के एनिमल रेयर करते थे, तो वो थे शीप, गोट, कैटल्स एक्सेट्रा। फिर हम बात करेंगे गारो हिल्स की, जो कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आता है, और साथ ही विंध्यास, इस एरिया में भी लोग रहते थे, विंध्या रेंजेस पे। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा था, पर अगर बात करें कि एकदम शुरुआत में कहाँ पे आया था, तो सुलेमान एंड किरथार हिल्स पे। फिर जहाँ पे राइस उगाया गया था सबसे पहली बार, वो विंध्या के नॉर्दर्न पार्ट में थे, विंध्या से थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट में राइस सबसे पहले उगाया गया था। अब हम बात करेंगे रिवर इंदस की। तो 4700 ईयर्स पहले यहाँ पे सिटीज फ्लरिश होती थी। अभी 4700 ईयर्स की यहाँ की सिटीज की बात करें तो कौन सा है, वो हरप्पन सिविलाइजेशन है। अब बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर है तो यहाँ पे इन डिटेल कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, बट जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे हमें पता चलते जाएगा कि हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर अबाउट 2500 ईयर्स अगो गंगा रिवर पे, तो वो वैदिक एज की बात हो रही है जहाँ पे गंगा रिवर के पास सिटीज फ्लरिश हुई थी, वैदिक एज एंड उसके बाद की एजेस। फिर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन को हमें इस मैप पे लोकेट करने कहा गया है, गंगा एंड सोन। अब एक एंशियंट एरा में यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर एक किंगडम था जिसका नाम था मगध, जो कि अभी का स्टेट बिहार है, और कहा जाता है कि वहाँ के किंग्स जो है वो काफ़ी पावरफुल थे। अब ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पहले से लोग कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं, भले ही माउंटेन्स हो या रिवर्स हो, डेजर्ट हो, सीज हो, कुछ भी हो, कितना ही डेंजरस जर्नी हो, बट वो लोग ट्रैवल करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब क्यों वो ट्रैवल करेंगे, क्योंकि फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, डिजास्टर की वजह से, जैसे कि अगर फ्लड हो गया, ड्रॉथ हो गया किसी रीजन में, तो भी उनको मूव करना पड़ता था। कभी कभी
एक ग्रुप या एक आर्मी कहो, ग्रुप कहो, वो दूसरे ग्रुप पे ग्रुप के साथ फाइट भी करता था ताकि वो एरिया को, वो एरिया पे कब्जा किया जा सके। फिर ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस देखेंगे कि जो मर्चेंट होंगे वो कारावान से यानी कि पालखी जैसी चीज़ों में ट्रैवल करेंगे और फिर वो जो वैल्यूएबल गुड्स होगा वो प्लेस टू प्लेस लेके जाएंगे। तो ये जो क्लास डिवाइड होगा वो तो देखने को मिलेगा ही। जो रिलीजियस टीचर्स होंगे वो अलग अलग विलेजेस टाउन्स में जाके लोगों को एडवाइस देते चलेंगे। नाउ व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, अब क्यों लोग ट्रैवल करते हैं, अब तो सिविलाइज्ड हो गए, अब तो सेटल्ड हो गए हम। हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसको नेचुरली ही प्रोटेक्शन मिला है, जैसे कि यहाँ पे हिमालयाज ने प्रोटेक्ट किया गया है, यहाँ पे भी माउंटेन्स है, हिमालयाज का पार्ट है, फिर हिंदू कुश माउंटेन्स है, ऐसे माउंटेन्स है जिन्होंने इंडिया को प्रोटेक्ट करा हुआ है। यहाँ की इंडस रिवर्स ने भी प्रोटेक्ट करा हुआ है इंडिया को, और नीचे दोनों साइड जो है ओशन आ जाता है, इसलिए वो हमारे नेचुरल फ्रंटियर्स है जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। फिर भी जो दूसरे कंट्रीज से है, ये जो फ्रंटियर्स है, नेचुरल फ्रंटियर्स, उसके बाहर से भी लोग आके यहाँ पे सेटल हो गए हैं, और इसकी वजह से हमारा कल्चर जो है वो काफ़ी एनरिच्ड हो गया है। यानी कि जो आर्यंस है वो कहा जाता है सेंट्रल एशिया से आए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, और सब अलग अलग कल्चर थोड़े बहुत एक दूसरे में एसिमिलेट हो गए हैं, और इसमें लोगों ने अपना फूड, दे हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, म्यूजिक, कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ईयर्स। उन्होंने ये सारी चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें शेयर करी हैं। अब नेम ऑफ द लैंड, अब कैसे ये जगह का नाम कैसे हुआ, इंडिया या भारत कहते हैं इसको पॉपुलरली। अब इंडिया जो है वो कहाँ से आया, वो इंडस रिवर से नेम आया। जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स एंड इरानियंस थे, वो हमें कैसे रेफर करते थे कि इंडस रिवर को वो कहते थे हिंदोस रिवर या इंदोस रिवर। अब जो भी लैंड इंदोस रिवर के दूसरे साइड है उसको क्या, उसे क्या कहा जाता था, इंडिया कहा जाता था। फिर जो भारत है, ये एक ट्राइब था जो बहुत अराउंड 3500 ईयर पहले यहाँ पे इंडिया में रहते थे, एक आर्यन ट्राइब था वो, और फिर वहीं से ही हमारा नाम जो है भारत पड़ा आगे। और भारत ट्राइब के बारे में ऋग्वेदा में भी लिखा गया है। तो अब जैसे नेम आ जाता है ऋग्वेदा, तो ऑब्वियसली हमें और भी वेदास के बारे में आगे पढ़ना होगा। देर आर सेवरल अदर वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, और क्या तरीका है पास्ट के बारे में जानने का। तो जैसे एक हो सकता है बुक्स रीड करना जो कि बहुत पहले लिखी गई हो, फिर वो जो बहुत पहले लिखी गई थी उन्हें क्या कहते थे, मानुस्क्रिप्ट्स कहते थे। मानु मीन्स हैंड, यानी हाथ से लिखा, स्क्रिप्ट में लिखावट, हाथ से लिखा हुआ। कुछ मानुस्क्रिप्ट्स खराब हो गई थी बट बहुत सारी है जो अभी भी बची हुई है, और वो हमारे टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में रखी हुई है। और इन बुक्स में, इन मैनुस्क्रिप्ट में बहुत सारे चीज़ों के बारे में लिखा हो, जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा हो, किंग्स के बारे में लिखा होगा, मेडिसिन के बारे में लिखा है, साइंस के बारे में लिखा है, बहुत सारी एपिक्स, प्लेस, पोएम्स, ये सब भी इनमें लिखा गया है। और इनकी जो लैंग्वेजेस थी वो काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस थी, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया है। दूसरी चीज़ जो है वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी क्या कि अभी जैसे मैनुस्क्रिप्ट्स तो कुछ लीव्स वगैरह पे लिखा जाता है, लेकिन इंस्क्रिप्शन जो है वो स्टोन पे लिखा जाता है, यानी कि मैनुस्क्रिप्ट जितना सर्वाइव करेगा उससे ज़्यादा जो है इंस्क्रिप्शन सर्वाइव करेगा। तो इसीलिए काफ़ी किंग्स जो थे वो अपने ऑर्डर्स इंस्क्राइब करवाते थे स्टोन पे ताकि सब लोग पढ़ सके, या फिर स्टोन्स पे वो अपनी बैटल की विक्ट्रीज के बारे में लिखते थे
ताकि आने वाले बहुत सालों तक लोग उन्हें देख सके और याद कर सके। फिर जो इन चीजों को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। और यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या सब चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, टूटी फूटी बिल्डिंग्स हो बहुत पुरानी, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो टूटी फूटी चीज़ें हो, फिर हरप्पन सिविलाइजेशन की जो ब्रिक्स हो, जैसे ग्रेट बाथ का रिमेन्स हो, ऐसी चीज़ें वो पढ़ते हैं। फिर स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें भी इनको स्टडी करके इनके बारे में पता कौन करता है, तो क्या कहते हैं उनको? आर्कियोलॉजिस्ट। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट वॉट टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स। अब ये सारी चीज़ों को स्टडी करके वो बता सकते हैं कि वहाँ की वो टाइम की सोशल लाइफ कैसी होगी। और फिर उससे मटीरियल भी पता चल सकते हैं, जैसे कि बोन से बनाए, बेक्ड क्ले से बनाए, मेटल से बनाए। और जो चीज़ें इम्पेरिशेबल हो वो जनरली लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करती हैं। फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश को देखते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि पीपल पास्ट में क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर बच जाते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है कि उनका फूड टाइप्स क्या था। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information from manuscripts, to inscriptions and archaeology. तो कहाँ कहीं से भी कोई information मिल गया तो वो क्या कैसे लिखेंगे कि ये कहाँ से मुझे पता चला, मुझे ये so and so inscription, इसका source so and so inscription है। जैसे ही source मिल जाते हैं, past को study करना एक एडवेंचर बन जाता है, और वो हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे पास टू कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हिस्ट्री की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या है? डिटेक्टिव्स है। अब जैसे किसी पर्टिकुलर केस में, जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि एक केस को एक डिटेक्टिव जो है वो थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते उसको सॉल्व करता है, इसी तरह हिस्ट्री को कैसे सॉल्व की जाती है? आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें जोड़कर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन है, वन पास्ट और मैनी, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आर पास्ट्स, एस पास्ट्स लिखा हुआ है। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अलग लोगों के लिए अलग तरीके का पास्ट था। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर का पास्ट, फार्मर की लाइफ कैसी रही होगी कंपेयर टू किंग्स एंड क्वींस, या उनकी लाइफ कैसी रही होगी कंपेयर टू मर्चेंट्स, क्राफ्ट पीपल, इन सब की लाइफ जो है अलग अलग रही होगी। आज भी हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के कस्टम्स वगैरह, कस्टम्स प्रैक्टिसेस डिफरेंट देखी जाती है, तो पास्ट में तो उनकी डिफरेंट होगी ही। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज जो लोग हैं अंडमान आइलैंड्स, गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अंडमान में जो लोग, जो ट्राइब्स रहते हैं, वो कैसे अपना फूड यूज़ करते हैं? फिशिंग से, हंटिंग से, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। लेकिन जो सिटीज़ में रहते हैं वो फूड सप्लाईज पर डिपेंडेंट रहते हैं। क्या हम मुंबई के लोग फिशिंग करने जाते हैं क्या? नहीं, हम डायरेक्टली शॉप से अपना जो भी पैकेज्ड फूड है ख़रीद लेते हैं। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records and victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folks, gatherers, farmers or herders did not keep the records. तो किंग्स के बारे में हमें पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने अपने बैटल्स के बारे में इंस्क्राइब किया गया है, अपनी ग्रेटनेस के लिए के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने किंग के नाम पे जैसे डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स बनाए हो, वो बिल्डिंग्स बनाए हो, तो उनके बारे में तो पता चल जाता है। लेकिन क्या फिशिंग कम्युनिटी, हंटर गैदरर्स, फार्मर्स, ये सब अपने बारे में लिखते होंगे क्या? उन्होंने तो, उनके पास इतने पैसे भी शायद नहीं होंगे कि वो अपने बारे में कुछ लिखे, या कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तो उनके बारे में पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है।
अब यहाँ पे बात करी गई है डेट्स की, तो हम डेट जो है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के हिसाब से काउंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये टाइमलाइन है, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है तो उसको जीरो कहा जाता है। हम जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2024 में रहते हैं, और इसको कहते हैं एनो डोमिनी या फिर क्राइस्ट एरा भी कहा जाता है। या फिर अगर उस एक सेक्युलर टर्म की बात करें जिसमें किसी रिलीजन रिलीजियस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो कॉमन एरा कहा जाता है। और इसके पहले जो है वो इसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और ये उल्टा चलता है, यानी कि क्राइस्ट के 500 साल पहले, क्राइस्ट के 600 साल पहले, 700 साल पहले, ये उल्टा चलता है, और इसे बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। यहाँ पे यही सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और एक टर्म है बिफोर प्रेजेंट भी यूज़ किया जाता है। बिफोर प्रेजेंट जब यूज़ किया जाए, तो आज अगर 2024 है तो बिफोर प्रेजेंट 5000 years बिफोर प्रेजेंट वुड बी डायरेक्टली लाइक दिस, 5000 years बिफोर प्रेजेंट, देर इज नथिंग रिलेटेड टू वेन द क्राइस्ट वॉज बॉर्न। फिर हमने जैसे इंस्क्रिप्शंस देखे हैं हार्ड सर्फेसिस पे, और वो कुछ काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले लिखे गए थे, और सब सारे जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें अगर लिखा है तो कोई ना कोई वो लैंग्वेज रही होगी, और ये जो लैंग्वेज थी वो हर एक प्लेस की डिफरेंट रही होगी। अब स्कॉलर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि वो इस लैंग्वेज को पढ़ सके, उसको डिसाइफर कर सके। लैंग्वेज को किसी पुरानी लैंग्वेज को पढ़ना मीन्स उसे डिसाइफर करना। और एक फेमस डिसाइफर है इजिप्ट का, डिसाइफरमेंट है इजिप्ट का, जो कि एक कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में, जहाँ पे किंग्स एंड क्वींस थे अबाउट 5000 years अगो। रोस इजिप्ट में एक प्लेस है रोसेट्टा करके, जहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला था जिसका इमेज यहाँ दिया हुआ है, और वो ग्रीक या फिर इजिप्शियन लैंग्वेज की तरह एक लैंग्वेज में लिखा गया हो। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस वर एनक्लोज्ड इन द लिटल फ्रेम कॉल्ड कॉर्टोच। देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइंस साइड बाय साइड एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स ऑफ द इजिप्शियन लेटर्स स्टूड। एज दे कैन सी अ लायन स्टूड फॉर एल एंड द बर्ड स्टूड फॉर ए। वंस दे न्यू वॉट द लेटर स्टूड फॉर, दे कुड रीड ऑल अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल।